Stop. मुझे नहीं चाहिए इंसाफ, नहीं चाहिए मुझे। कौन सा सच? कैसा सच? मुझे बोलने दीजिए गोविंद जी। उर्मी के बलात्कार को धंधा बनाया इन लोगों ने, धंधा। गिद्धों से भी बदतर है ये लोग, जो इंसान को नोच नोच कर खाते हैं। ढोंगी है, फरेबी है। ऐसे इंसानों में नहीं साबित करनी मुझे सच्चाई, नहीं साबित करनी। एक बार मैंने उर्मी का बलात्कार क्या देखा, उसे इंसाफ दिलाने दिलाने क्या निकली मैं। रोज उसका बलात्कार हुआ, कभी पुलिस थाने में, कभी इंसाफ के इस मंदिर में। हर बार 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 बलात्कार हुआ उसका। हाथ काट दे, हाथ काट दे। कंधों पर या छाती पर, कमर पर या घुटनों पर, ये सवाल जरूरी थे, पर किस तरह पूछे गए थे मुझसे। और जब ऐसे गंदे और घिनौने ने सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे, तो क्यों नहीं उठी कोई आवाज? पहन के अपनी बहन की रक्षा करने निकलते हैं, क्यों आ चुकी हुई है सबकी नजरें? उस दिन तो सबकी नजरें मुझ पर गड़ी हुई थी, जब चड्डा साहब मेरी बेइज्जती कर रहे थे। क्यों चड्डा साहब? घुटनों के ऊपर के हिस्से को जांघे कहते हैं ना, ये मैं भी जानती हूं। अब मैं आपसे पूछती हूं, गर्दन के नीचे के हिस्से को छाती कहते हैं, आप थोड़ा कम सुनते हैं ना? अब मैं जोर से बोलती हूं, चीख चीख के बोलती हूं, ताकि आप साफ साफ सुने। गर्दन के नीचे के हिस्से को छाती कहते हैं। इंसान की पहली पहचान इसी हिस्से से होती है। एक माँ अपने बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है। चड्डा साहब, आपने भी पिया होगा, तो क्या आप अपनी माँ अपनी बहन से ऐसे सवाल करते जैसे आपने मुझसे किए थे? साबित करनी सच्चाई। मैं अपना ये केस वापस ले रही हूं, कम से कम मुर्मी की आत्मा को तो शांति मिलेगी। आप मुझे वापस भेज दीजिए पागलखाने, शायद मेरी वो इस जगह है। मैं पागल हूं, हूं मैं पागल, मुझे यहां से वापस भेज दो जैसा।